हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत लंबे टाइम, लाइक मुझे 1 मंथ हो गया है, मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ अगेन। और काफ़ी लेट होने के बहुत सारे कारण हैं जो कि हम यहाँ वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरा कांच की चूड़ियों का कलेक्शन, जो कि मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। और सबसे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं ये वाला वीडियो बहुत स्वीट एंड सिंपल रखने वाली हूँ, छोटा सा वीडियो होगा। तो आप आज देखोगे कि मेरे पास में किस तरीके की कांच की चूड़ियाँ हैं, और ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है, जो भी मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो चूड़ियाँ दिखाऊंगी वो आप यहाँ पे देखिए। मुझे कांच की चूड़ियाँ वैसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर मैं राजपूती सूट या राजपूती पोशाक भी वेयर करती हूँ तो वाइट वाले चूड़े की बजाय मैं कांच की चूड़ियाँ ही प्रेफर करती हूँ, और कोई भी मेटल मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे अदर स्टफ़ भी है मेरे पास में बहुत सारा, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बट जो कांच का कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हैं मेरी कांच की चूड़ियाँ। इस कलर का नाम क्या है आप लोग मुझे बताओगे, ये कौन सा कलर है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये टर्कोइज कलर है। और देखिए कितनी प्यारी कांच की चूड़ियाँ हैं, और इनमें से कुछ चूड़ियाँ जो थी वो कम हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे पहनने के बाद में ये चूड़ियाँ ऐसी दिखाई देंगी। तो सबसे पहली तो ये वाली चूड़ियाँ हैं जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। इसके साथ में मिक्स करने वाली चूड़ियाँ अंदर रह गई हैं, तो वो मैं अभी दिखा नहीं सकती, इसलिए अभी यही शो कर रही हूँ। और देखिए, इसके बाद में जो मेरे पास चूड़ियाँ हैं वो सबके पास में होती हैं। वैसे ये भी मेरी बहुत फेवरेट वाली चूड़ियाँ हैं, ग्रीन, और ग्रीन में कुछ डिज़ाइन वाला कलेक्शन है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप लोग राजपूती सूट पहन रहे हो, आप न्यूली मैरिड हैं, या फिर अगर आप बाइसा हैं, राजपूती पोशाक वेयर करना चाहती हैं, तो आप इस तरीके का मिक्स एंड मैच करके अपने लिए चूड़ियाँ क्रिएट कर सकते हो। ये देखो बहुत ही सुंदर ये वाली चूड़ियाँ हैं। इनमें मैंने दो तरीके की चूड़ियों को मिक्स एंड मैच कर रखा है। एक ये डिज़ाइन वाली चूड़ी है, और बीच में इसके ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं। तो ये दोनों कांच, इनका जो ये कांच से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। आप कोई भी राजपूती सूट पहनते हैं या फिर पोशाक पहनते हैं, तो इस तरीके की चूड़ियाँ पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये एक फेमिनिटी शो करती हैं। आप लोग देखिए, अगर आप सूट पहन रहे हो, जैसे कि मैंने अभी सलवार सूट पहन रखा है, और उस पर अगर आप चूड़ियाँ पहनते हो तो ये इस तरीके का लुक देती है। वैसे मेरे वाले सूट का लॉन्ग स्लीव्स हैं, तो इतना आपको पता नहीं चलेगा, बट फिर भी ये बहुत अच्छी दिखती हैं। इनका लुक ये इस तरीके का आता है। तो आप मुझे इस वीडियो में बताओगे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ इनमें से कौन सी लगी। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के और भी कलर्स में शो करूँगी। तो ये थी दूसरी, थर्ड वाली चूड़ियाँ। वैसे अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, वही आने वाला है, पिंक कलर। ये देखिए पिंक कलर, ये वाली चूड़ियाँ। अगर आप मार्केट में चूड़ियाँ खरीदने निकलते हो तो आपको कहीं पे भी इस कलर की चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, बहुत ज़्यादा सर्च करा, तब जाकर मुझे पिंक कलर की चूड़ियाँ मिली हैं। इनको भी मैं मिक्स एंड मैच करके वेयर करती हूँ, और जितने भी मेरे सलवार सूट्स हैं, जितने भी मेरे सूट्स हैं, उनके साथ में मैं ये दोनों अलग अलग, अगर मैंने पीच, ये पीच कलर की चूड़ियाँ हैं, आप यहाँ पे देखिए पीच कलर, और 12 है इनका, इन ये जो नंबर्स है, ये 12 चूड़ियाँ हैं। और ये वाली चूड़ियाँ मैंने जहाँ से भी परचेस करी है, उन सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये और ये दोनों वाली चूड़ियाँ सेम जगह से परचेस करी हुई है, 80 रुपीज़ में, ओनली 80 रुपीज़ में दोनों, 80 फॉर 12 चूड़ियाँ दोनों मैंने एक जगह से परचेस करी है, और बहुत ही सुंदर, पहनने के बाद में आप देख सकते हैं मेरा जो साइज़ है चूड़ियों का वो 2-4 है, पर मैं प्रेफर करती हूँ 2-6 पहनना, क्योंकि मुझे लूज़ चूड़ियाँ थोड़ी अच्छी लगती हैं। और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके का ये लुक देती हैं दोनों, ये मैंने पहनी हुई हैं और इस तरीके का लुक देती है। नेक्स्ट चूड़ियाँ, जो कि अगेन मेरा एक फेवरेट कलर है, और वो है ब्लू कलर। ये वाली चूड़ियाँ भी
आप देख सकते हैं मेरे पास में इस तरीके की कांच की चूड़ियाँ भी हैं, और ये ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर आप लोग वहाँ पहन सकते हैं जहाँ पे आपने लाइट कलर का कोई भी सूट पहना हुआ हो। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी समर्स हैं और समर्स के अंदर वो वाइट वाला जो चूड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, तो अगर आप वो नहीं पहनना चाहते तो कुछ मिक्स एंड मैच करके आप इस तरीके की चूड़ियों को पहन सकते हो। इसी में मेरे पास में बहुत सारी चूड़ियाँ अगेन डार्क कलर में ब्लू हैं। ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ एक डार्क ब्लू है और एक थोड़ा सा ब्राइट ब्लू है, जिसको हम रॉयल ब्लू बोलेंगे। और ये वाला कलर आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी ब्लू का शेड ही है। और इसमें एक साथ में ये वाली चूड़ियाँ मैंने पंजाब से परचेज़ करी थी। मैं जहाँ भी जाऊँगी, जहाँ भी ट्रेवल करूँगी, और आई होप कि मुझे कोई भी अगर गिफ्ट करे तो प्लीज़ कांच की चूड़ियाँ ही दें। तो ये दोनों ब्लू हो गए। अगेन मैं एक चूड़ा आपको दिखाती हूँ, वो नॉर्मल ग्रीन कलर का है। मेरा नेक्स्ट कलेक्शन ये वाला है ग्रीन कलर, और जो पहले वाली जो ग्रीन के साथ में आपने चूड़ियाँ देखी थी वो ये वाली ग्रीन थी। तो दोनों देख सकते हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन में मिक्स एंड मैच करके एक साथ पहनती हूँ, कभी ये अलग से और तो कभी ये एक साथ। इस तरीके से ये वाला है, और ये सार इन चूड़ियों का सबसे अच्छा कलेक्शन अगर आप लोग जयपुर में देख रहे हैं तो जयपुर में मिलती है दयाल बैंगल्स पे, जसवंत नगर के अंदर शॉप हैं, दो शॉप है एक ही नाम से, बट छोटा वाला दयाल बैंगल जो है, छोटी शॉप जो है, वहाँ से मैंने ये वाली चूड़ियाँ परचेज़ करी हैं। और ये भी मेरी सारी चूड़ियाँ वहीं से, एक बहुत ही अच्छी शॉप है चूड़ियों की, वहाँ से मैंने ये सारा कलेक्शन लिया है। नेक्स्ट बैंगल्स मेरी, ये कांच की चूड़ियाँ हैं या नहीं आप लोग इसको देख के बताइए कि क्या ये चूड़ियाँ कांच की हैं। लग रही तो नहीं है, नहीं ये कांच की नहीं है, मेटल की चूड़ियाँ हैं। और मैंने इनको इसलिए परचेस करा क्योंकि इनके डिज़ाइन आप देखिए, अगर आपने कोई सूट पहना है, राजपूती सूट या सलवार सूट, आजकल जीन्स कुर्ती पे भी चूड़ियाँ पहनने का ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन लुक देता है, तो आप उनके साथ में भी इस तरीके की मल्टी कलर की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। मल्टी कलर हमेशा सिंपल सूट और किसी भी तरीके का डिज़ाइन नहीं किया गया सूट उसके साथ में ज़्यादा बेटर लगता है। तो आपने अगर कोई वन कलर का सूट पहन रखा तो उसके साथ में इस तरीके की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। और ये वाली चूड़ियाँ एक एग्जीबिशन थी, वहाँ से मैंने परचेस करी हैं, और बहुत सुंदर, मेरी सबसे फेवरेट वाली चूड़ियाँ भी हैं ये। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, छोटा सा स्वीट एंड सिंपल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सा देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।